आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हेडर और फुटर को यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडर को यूज करेंगे। हेडर को इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट ऐप पर जाना है। इंसर्ट ऐप के अंदर आपको रिबन पर हेडर एंड फुटर सेक्शन में जाना है। इस ग्रुप में आपको हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप हेडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू अपीयर होगा। इस मेन्यू में पहले से ही बने हुए कुछ प्री डिफाइंड हेडर्स के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। इन फॉर्मेट्स में से आपको कोई भी एक फॉर्मेट अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं ये वाला फॉर्मेट लेना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये वाला जो सेक्शन आ गया, ये हेडर वाला सेक्शन हमारा एक्टिव हो गया है। अब इस सेक्शन में हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिले हैं, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल है वो टाइप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और यहाँ पर डेट पिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी डेट होगी वो यहाँ पिक कर लेंगे। चाहे तो हम टुडेज डेट कर सकते हैं, आज की डेट, देखिए अप्रैल 16 ये आ गया। चाहे तो आप इस डेट के फॉर्मेट्स को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा, डेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स बने हुए हैं, इनमें से कोई फॉर्मेट्स आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे तो वो फॉर्मेट यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। देन आपको क्लिक कर देना है क्लोज हेडर एंड फुटर पर, तो आपका हेडर फुटर ये आपका आ जाएगा। देखिए ये हेडर यहाँ पर आ चुका है। अब जो हेडर ये है ये आपको दूसरे पेज के लिए भी होगा सेम। जैसे हम दूसरा पेज यहाँ पर बनाएंगे, अगर हम दूसरा पेज यहाँ पर एंटर कर लेते हैं तो देखिए दूसरे पेज पर भी सेम हेडर आ गया है। तो इस तरह से हम हेडर को इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हेडर में पेज नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस एडिट कर लेते हैं हेडर में। तो एडिट करने के लिए हमें इंसर्ट पे जाना है और वापस हेडर पे क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर देना है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर डेट के प्लेस पर जो पेज नंबर आ जाएं। तो हम चाहते हैं पेज नंबर के लिए हम पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और टॉप ऑफ पेज चाहिए हमें पेज नंबर। तो हम क्या करते हैं यहाँ से पेज नंबर इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए तो ये पेज नंबर आ गई, ये देखिए पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2। तो इस तरह से हम पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं हेडर पर। इसके अलावा आप पेज नंबर के साथ साथ टाइटल भी प्रिंट करना चाहते हैं तो वापस जाएंगे और दोबारा हेडर फुटर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम ये वाला ब्लैंक वाला 3 कॉलम को ले सकते हैं। तो 3 कॉलम में आपको 3 कॉलम्स मिल जाएंगी जिनमें आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले आपको जो इंसर्ट करना है वो इंसर्ट करना है टाइटल। टाइटल हम कर देते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सेकंड में हम इंसर्ट कर लेते हैं डेट और टाइम। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम क्लिक कर देते हैं। तो किस तरह की डेट एंड टाइम चाहिए हमें, ये वाली चाहिए। ओके, यहाँ पर हम कोई भी अदर कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें आपको पिक्चर वाला इंसर्ट करनी है तो पिक्चर ले लेंगे। पिक्चर को छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये देखिए यहाँ पर हेडर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम हेडर को अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस हेडर को हटाना है तो इंसर्ट पे जाएंगे और हेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिमूव हेडर पे क्लिक कर देंगे तो आपका हेडर जो है वो रिमूव हो जाएगा सभी पेजेस से। देन अगर आपको फुटर इंसर्ट करना है अपने पेज पर तो इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में आपको वापस वहीं जाना है हेडर एंड फुटर ग्रुप में और यहाँ पर आपको फुटर पर क्लिक कर देना है। फुटर पर क्लिक करने के बाद कुछ प्री डिफाइंड आपके सामने फुटर्स के जो ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से कोई भी फुटर का ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। सपोज कीजिए आपको जो लेना है ये वाला सेक्शन लेना है, इस तरह का फुटर चाहिए, पेज नंबर और कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट में हम डेट वगैरह डाल सकते हैं या कुछ भी यहाँ पर हम जो चाहें वो इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक हमें इंसर्ट करना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज है, हमें इंसर्ट करना है यहाँ पर ऑथर।
ऑथर का नाम यहाँ पे इंसर्ट करना है, उसके बाद पेज नंबर यहाँ पर है ही। पेज नंबर में भी चाहे तो आप इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पेज नंबर की फॉर्मेटिंग के लिए आपको जाना है पेज नंबर पर और यहाँ पर फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे पेज नंबर के, जो भी पेज नंबर का फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको करना है ये वाला नंबर चाहिए इस तरह का, तो यहाँ देखिए डैश वाला आ जाएगा, या आप चाहते हैं ए बी सी डी करके कुछ आए तो उसके लिए भी आप फॉर्मेट में जाकर यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ए बी सी डी इस तरह से पेज आए तो वो भी ले सकते हैं, पेज नंबर ए एंड पेज नंबर बी। वापस इसको वन कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर आपके वन से स्टार्ट ना हो, वन टू से स्टार्ट ना हो, आपका पेज नंबर फाइव या सिक्स से स्टार्ट हो, तो इसके लिए पेज नंबर पे जाएंगे और फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर स्टार्ट ऐड कर देंगे। तो जितने नंबर से आपको स्टार्ट करना है वो नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है, देन ओके कर देना है। अभी मुझे सेवन से स्टार्ट करना है तो ओके। तो देखिए फर्स्ट पेज पर जो नंबर आएगा वो सेवन आएगा और सेकेंड पेज पर जो आएगा एट आएगा। तो इस तरह से भी हम पेज नंबर कस्टमाइज प्रिंट कर सकते हैं। देन आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है तो ये आपका हेडर फुटर क्लोज हो जाएगा। अगर इसमें वापस एडिट करना है तो इंसर्ट पर जाना है उसके लिए, और यहाँ पर आपको फुटर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर एडिट कर देना है, फिर दोबारा से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर आप फुटर को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए इंसर्ट पर जाएंगे और फुटर पर जाएंगे और यहाँ से रिमूव फुटर कर देंगे, तो आपका जो फुटर होगा वो रिमूव हो जाएगा।